स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही खास है। हम एक्सरसाइज करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी फैक्टर है डाइट, हम उस पर ध्यान नहीं देते, जबकि हमारा 80% वेट लॉस डाइट पे डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो में ये जानेंगे डेली कितना कैलोरी कंज्यूम करना है और खासकर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी फैट, प्रोटीन, कार्ब्स डाइट में कितना रखना है। लेकिन उसके पहले हम ये समझते हैं ये क्यों जरूरी है, बॉडी को इसकी क्या जरूरत है, ताकि आप इसका इम्पोर्टेंस समझ सकें। सबसे पहले प्रोटीन। हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं उससे मसल्स ब्रेक होता है। इस प्रोटीन के हेल्प से उस मसल्स को रिकवर किया जाता है। अब दूसरा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सोर्स है। जो कुछ भी हम करते हैं, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, हंसना, बोलना, कुछ भी, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं फैट्स की। हमारे ब्रेन को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हमारे हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए फैट्स की जरूरत पड़ती है। तो फैट, प्रोटीन, कार्ब्स का क्या इंपॉर्टेंस है बॉडी में, ये आप समझ गए। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, हमें डेली कितना कैलोरी कंज्यूम करना है। इसके लिए आपको अपना आइडियल वेट पता होनी चाहिए। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट पे सर्च करें आइडियल वेट कैलकुलेटर, तो वहां पे बहुत सारे साइट्स ओपन हो जाएंगे। वहां पे अपना डिटेल फिल करें, जो भी वेट आता है आपका आइडियल वेट अगर केजी में है तो उसे पाउंड में कन्वर्ट कर दें। सिंपल है, 2.2 से उसे मल्टीप्लाई कर दें, तो जो भी आपका वेट केजी में है वो पाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं अपना एग्जांपल लेके चलता हूँ ताकि प्रॉपर वे में आपको समझ आ सके। मेरी हाइट है 176 सेंटीमीटर, मेरा आइडियल वेट है 75 केजी। अब उसे अगर पाउंड में कन्वर्ट करूं तो 75 केजी इंटू 2.2 यानी 165 पाउंड। अब ये डाटा मेरे काम का है, ये 165 ये डाटा मेरे काम का है। प्रोटीन और कार्ब्स ये दोनों इक्वल होगा इस पाउंड वेट के, यानी प्रोटीन भी 165 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट भी 165 ग्राम। फैट्स के लिए इस पाउंड वेट को 3 से डिवाइड कर दें, 165 डिवाइड बाय 3, 55 ग्राम। तो प्रोटीन हो गया 165 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट हो गया 165 ग्राम और फैट्स हो गया 55 ग्राम। तो यह हमें पता चल गई ग्राम में। अब इसे कन्वर्ट करना है कैलोरी में। एक ग्राम प्रोटीन होता है 4 कैलोरी, एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है 4 कैलोरी, एक ग्राम फैट होता है 9 कैलोरी। यह भी समझ गए। अब इसे कन्वर्ट कर लेते हैं कैलोरी में। तो प्रोटीन कितना था, 165 ग्राम इंटू 4 हो गया 660 कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट भी सेम ही था यानी 660 कैलोरी। फैट्स आया था 55 ग्राम, इसे मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो ऑलमोस्ट 495 आएगा, तो इसे 500 मान लेते हैं। तो इस तीनों को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, 660 प्लस 660 प्लस 500, तो हमारा डाटा आता है 1820 कैलोरी, अप्रॉक्स 1800 के अराउंड, यानी मेरी डेली कैलोरी इंटेक है 1800। ये मेरी बात थी, आपको अपनी आइडियल वेट के अकॉर्डिंग इसे सेलेक्ट करनी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी और आज के बाद आपको डेली कैलोरी इंटेक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे एक अब दूसरा प्रॉब्लम आता है कि जो हमारा डाइट है यानी जो हमारा खाना है उसका कैलोरी कैसे पता करें। अगर जैसे रोटी है तो एक रोटी में कितना कैलोरी होता है, कितना कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन होता है, वो कैसे पता करें, या फिर राइस में वही, या फिर कर्ड में, इसका कैसे पता करें।
तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा, या फिर सिंपली आप नेट पे सर्च करें 120 कैलोरी, या फिर जो भी आपको सर्च करना है उसका नाम लिखें, उसके बाद में लिखें कैलोरी, तो वहां पे एक डिटेल चार्ट निकल के आ जाएगा, वहां पे पता चल जाएगा उसमें कितना फैट है, कितना प्रोटीन है, कितना कार्ब्स है। इस तरह से आप एक सही अनुमान लगा पाएंगे और इस तरह से एक प्रॉपर वे में आपकी वेट लॉस जर्नी चल पाएगी। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हुआ हो। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो लाइक करें, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो।